नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अक्सर बरसात के मौसम में दाद खाज खुजली होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना बना रहता है। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको दाद खाज खुजली की समस्या है, तो अगर आप उसका कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको भी बेहद ही आसानी से यह गंभीर रोग हो सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको दाद खाज खुजली दिनाई की समस्या हो जाती है और उसके बाद से वो इलाज करवाते हैं फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब इलाज करवाना बंद कर देते हैं उसके बाद से फिर से दोबारा दाद खाज खुजली दिनाई की समस्या हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही खास, बेहद ही असरदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे असरदार तरीका लेके आया हूँ, एक ऐसे आसान तरीका लेके आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने दाद खाज खुजली दिनाई की पुरानी से पुरानी समस्या को भी बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर सकेंगे। दोस्तों ये नुस्खा बनाना बेहद ही आसान होगा और इसमें जितना भी मैं इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करूँगा वो आपके आसपास और आपके घर पर ही बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो है दोस्तों हल्दी पाउडर की। दोस्तों हल्दी पाउडर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दाद खाज खुजली दिनाई की समस्या को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम इस नुस्खे को तैयार करने के लिए एक लेंगे सबसे पहले क्लीन बाउल, और इस क्लीन बाउल में हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नारियल तेल। जी हाँ, नारियल तेल में विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि विटामिन ई हमारे बालों के लिए और त्वचा के लिए बेहद ही लाभकारी माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसी नारियल के तेल में कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हमारे दाद खाज खुजली की समस्या को बेहद ही आसानी से ख़त्म करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक चम्मच की मात्रा में इस नारियल के तेल को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसके बाद से हम इसमें ऐड करते हैं आधी चम्मच की मात्रा में इस हल्दी पाउडर को, और इसके बाद से हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके इसका एक पेस्ट बेहद ही असरदार तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इस नुस्खे में आपको एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा इतना नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इतना नुस्खा तैयार करने के बाद से आपको क्या करना है कि आपको इसके बाद से लेना है इस फिटकरी को। दोस्तों ये है एलम, ये आपको मेडिकल स्टोर पर या पंसारी की दुकान पर बिल्कुल ही आसानी से मिल जाता है। तो इसको आपको लेना है, और लेने के बाद से क्या करना है कि आपको जहाँ पर भी दाद खाज खुजली की समस्या है उस जगह पर आप पानी की मदद से इससे आप उस जगह को साफ कर लें, ऐसे आपको साफ कर लेना है। दोस्तों साफ करने के बाद से आप इसे नीचे रख दें, और इसके बाद से आपको इस्तेमाल करना है आपने जो पेस्ट को तैयार किया हुआ है। आप कॉटन लेकर और इस पेस्ट को आपको जहाँ पर भी दाद खाज खुजली की समस्या है उस जगह पर अगर आप लगा लेते हैं तो आप अपनी दाद खाज खुजली की समस्या से बिल्कुल ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों फिटकरी की मदद से आपके जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन होंगे वो बिल्कुल रुक जाएगा और आपकी दाद खाज खुजली की समस्या खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।